नमस्कार, मी विक्रांत जोशी. मुंबई 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे. गोड पदार्थ आपल्या सर्वांचाच वीक पॉइंट म्हटला पाहिजे, पण हे गोड पदार्थ बनवण्यात सर्वात मोठा वाटा जो असतो तो खव्याचा. फूड अँड ड्रग्स ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजेच अन्न व औषधे विभाग यांनी या खव्या मॅन्युफॅक्चरिंगवर खूप काही प्रमाणावर धाडी घातलेल्या आहेत. त्यांचा साठा जप्त केला जात आहे. आज आपल्या मुंबई 24 स्टुडिओमध्ये या असोसिएशनचे काही पदाधिकारी आलेले आहेत. त्यांना आज आपली बाजू मांडायची आहे. गणपती सण आपल्या तोंडावर आहे. सर्व मिठाई ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे व आपण मुंबईकरांनी ती निश्चितच खाल्ली पाहिजे हा त्यांचा निर्धार आहे आणि आज ते आपल्याशी या बाबतीत बोलणार आहे. नंदकुमारजी, ये खवा मुंबई में कैसे आता है, आप उसका प्रोसेस क्या है, या आज हम मुंबई 24 के दर्शकों को आप बताइए. ये बम्बई के अंदर में रोजाना मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से आ रहा है. आज बरसों से चला आ रहा है ये उद्योग और इसी प्रकार से ये मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से आ जाता है. ये पेरिसेबल आइटम होने के कारण इसको मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से हम लोग मंगवाते हैं और आने के बाद में इसको सेम डे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कस्टमर्स को. डिस्ट्रीब्यूट यानी किस तरीके से? आप दिन मुंबई में रोजाना कितना टन माल आता है? बम्बई में रोजाना मैं समझता हूँ त्योहारों के ऊपर में 8 टन 10 टन और बिगड़ त्यौहार के दिनों में ये 2 टन 3 टन हो सकता है. आज के महाराष्ट्र टाइम्स पेपर में आया है कि आपका 638 किलो का मावा जब्त किया गया है. इसमें आपको क्या कहना है? इन्होंने उसको निकृष्ट ऐसा दर्जा दिया है फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने. तो क्या ये सच्ची में निकृष्ट है? क्या हम मुंबईकरन ने ये खाना नहीं चाहिए? देखिए साहब, ये FDA डिपार्टमेंट वालों की क्या है, हमारे लोगों के साथ में कुछ ज़्यादती हो रही है. उन्होंने हमारे लोगों से सैंपल लिए हैं और बिगर उस सैंपल की रिपोर्ट आए उन्होंने उसके लिए निष्कृष्ट शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो कि जायज़ नहीं है. कोई भी चीज़ की जब तक पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसकी जाँच नहीं हो जाती है, तो इस तरीके से ये बयान आने ये हमारे लिए काफ़ी दुखदायी है और हमारे धंधे के लिए भी काफ़ी दुखदायी है. तो आपके धंधे पर इस पर असर पड़ रहा होगा? इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं. इन लोगों के बयान से हमारे धंधे खराब हो रहे हैं और लोग आज जो ट्रेडिशनली स्वीट्स है तो वो लोग विमुख होकर के वेस्टर्न स्वीट्स की ओर अपने आप मुड़ेंगे. तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं. इस बारे में आपने कहीं आगे जाके कुछ कार्रवाई करने का निरोप देना चाहेंगे? भाई, इसके लिए हम FDA वालों से यही हमारा बार बार अनुरोध है, आग्रह है कि भाई आप इस तरीके की भ्रामक चीज़ें लोगों को भ्रमित करने का काम ना करते हुए जो चीज़ सही है सच में उजागर है उसे आप दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दीजिए. FDA के इंस्पेक्टर 3 स्टेट से आपका माल आता है जब बम्बई में, चाहे वो MP से हो, गुजरात से हो या राजस्थान से हो, तब किस आधार पर ही आपका माल जब्त करते हैं? इनका कहना है कि ये माल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आना चाहिए जो कि टेम्परेचर मेंटेन करते हुए आना चाहिए क्योंकि ये पेरिसेबल है, लेकिन आज तक ये बरसों से आ रहा है और पर्टिकुलर ये माल जो है इसकी आयु 36 घंटे की है. वो माल ख़राब नहीं होता है, लेकिन बिगर जांच पड़ताल किए वो अपने कानून का कुछ भी गलत या सही जो भी इस्तेमाल करते हैं उनकी निगाहों में इस प्रकार से हमको हैरान करते हुए माल का साटा जब्त करके और उसको नष्ट करने की बात करते हैं और हमें लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हमारे बिजनेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. इस डिपार्टमेंट के जो IS ऑफिसर हैं महेश सकड़े, उनका एक विशिष्ट डिस्क्रिप्शन है कि वो बहुत ईमानदार और सरल मार्ग ऑफिसर है. हम उनको तहे दिल से इज्जत करते हैं. उनके पास गए थे क्या आपकी ये फिरियाद लेकर कि ऐसा FDA ऑफिसर्स कर रहे हैं आपके धंधे पे, उसका अड़चन आ रहा है, मुंबई कोरो का स्वास्थ्य इसमें कैसा अच्छा रहेगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस पे हमने महेश जगड़े जी साहब से, हमारी एडवोकेट अंजलि पुरो जी गई थी, उन्होंने उनसे बात की कि सर ये आज बरसों से ट्रेड होते आया है और पर्टिकुलर इस ट्रेड के अंदर में अभी तक कोई भी ऐसी धोखादायक चीज़ इतने दिनों में कुछ भी नहीं हुई है. तो हमारा उनसे यही अनुरोध था कि भाई जो 4 to 7 degree टेम्परेचर में आप माल मंगाने की कुछ बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कृषि फार्म उद्योग से उत्पन्न हुई चीज़ है. जैसे आज धान पैदा हो रहा है, गेहूँ चावल, ये वैसे ये भी एक कृषि उद्योग है, तो ये दूध से बनी हुई चीज़ है. सेम डे जिस दिन बनी उसी दिन वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट डे हमें मिल जाती है और हम लोग उसको मिठाई वालों में वितरित कर देते हैं. महेश जगड़े यांच्याकडे त्यांनी फिर्याद आपली नोंदवलेली आहे, पण तरीही कारवाई होत नाही असे का? महेश जगड़ेंना हा आमचा सवाल आहे. कृपया त्यांनी यांच्याकडे लक्ष द्यावे आणि मुंबईत येणारा प्रत्येक खवा हा सुरक्षितेसाठी आहे आणि त्याची सगळी जाच पडताल करूनच हे व्यापारी इथे आणतात आणि मुंबईकरांना त्यांचं स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्याचे ते आश्वासनही आज आपल्याकडे देत आहेत. मावा व्यापारी असोसिएशनचे आज अध्यक्ष पण आपल्याबरोबर आहेत.
ते पण आपल्या मुंबईकरांना काही सूचना देतील। हम मुंबईकरों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि जो हम आज माल बेचते हैं, इतने वर्षों से माल बेचते हैं, हमारा जो खानदानी बिजनेस है सालों से चला आ रहा है, ना तो हमने आज तक कुछ इसके अंदर गलत किया है और ना आगे कुछ करना चाहते हैं और न करेंगे, ऐसा आश्वासन मुंबई वासियों को देना चाहते हैं। और जो त्यौहार के टाइम पर जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, उसमें अगर हम गलत बेचेंगे तो हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनको भी हानि पहुंच सकती है, तो हम क्यों करेंगे ऐसा। या मुंबई कर हैं तो मुंबई कर भी हमारे ही हैं, मुंबई भी हमारी ही है, जहां रहेंगे वहीं हम गलत करेंगे। तो मुंबई वासियों को हम यही संदेशा देना चाहते हैं कि आप कुछ भी है, किसी भी तरीका से है, किसी भी तरीका से टेस्ट करें, किसी भी तरीके खा के लें, उससे कोई भी परेशानी किसी को नहीं होगा। हम आगे भी स्वच्छता से, जितना स्वच्छता हमारे लाने की कोशिश होगी उतना लाने की जरूर कोशिश करें। अन्याय होणाऱ्या व्यक्तींवर आम्ही नेहमीच लढा देतो। आज खवा यांचे डिस्ट्रीब्युशन करणारे व्यापारी आमच्याकडे आले, त्यांचे मी मनापासून धन्यवाद देतो। आणि नेहमीच आमची वाहिनीवर असे आम्ही प्रकारचे अन्याय शासनासमोर आणि लोकांसमोर आणत असतो। पाहत राहा मुंबई 24, मी विक्रांत जोशी, फक्त लढ मारा। स्टुडिओमध्ये आपण डीएम मावावाला येथील दिनेश खंडेलवाल या त्याच्या मालकांना बोलवलं आहे, जाणून घ्या त्यांची पण बाजू, एक दुकानदार म्हणून त्यांना काय वाटतं। खंडेलवाल साहब नमस्ते। नमस्ते, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस सब प्रकार के बारे में, ये जो हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मावा आता है, और ये मावा आज कम से कम मैं सोचता हूँ 100 साल से आता है और इसी तरह ट्रेन से आता रहा है, आज तक ये माल कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि ये ख़राब हो गया है, कि इसको अभी फेंक देना चाहिए। इससे पहले भी माल को लिया गया, टेस्ट किया गया, अगर वो ख़राब है तो भले फेंकने की बात है, और नहीं ख़राब है तो फिर वो रिलीज़ हो गया, ख़त्म हो गया बंद। लेकिन यहाँ तो ये पोजीशन है कि माल चेक करने का कोई नौबत ही नहीं है, बस माल स्टेशन से उतरा हमारे अंडर में दो, इसको हमको फेंक देना है क्योंकि ये माल ख़राब है, क्या बोलते हैं वो, अनहाइजीनिक। हाँ, तो बोले ये ख़राब है, ये फेंक देना है। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना जाँच के वो माल ख़राब कैसे हो गया। एक बात खंडेलवाल साहब, मुझे एक बताइए, क्या आप इस जाँच के लिए तैयार हैं? हाँ, हम माल के जांच के लिए, हम माल के जांच के लिए तैयार हैं। हमारा माल आप आराम से चेक करिए, और हमारा माल अगर उसमें खराब साबित होता है तो फिर आप उसको फेंकिए या जो उचित होता है वो करिएगा। पर अगर जब तक कार्रवाई की जाए तब तक अगर लोगों की विष बाधा से अगर मौत होती है तो उसका कौन जवाबदारी लेगा? पहली बात तो मावे में आज तक मेरे जीवन में मावे से तो कोई भी नहीं मरा, खाना खा के तो बहुत मर गए, होटलों में कितना वो इतना मर गए, उधर मर गए, इधर मर गए, लेकिन मावे की मिठाई खा के आज तक नहीं मरा। ज़्यादा से ज़्यादा दस्त हो गया उसको या उल्टी वगैरह हो गया, इतना वो भी ज़्यादा खा लिया तो, वो भी ज़्यादा खा लिया, जैसे मान लो बच्चा है 10 साल का, अभी उसने मान लो 2 पेड़ा खा लिया, 6, अब उसका वो पेट अलाउड नहीं करेगा, उसको दस्त हो जाएगा। बुढ़ा आदमी है 60-65 साल का, अभी उसकी वो जो डाइजेशन पोजीशन है वो स्लो हो गई है, अभी मान लो 200 ग्राम पेड़ा खा लेता है तो उसको भी ये चीज़ हो जाएगी। बाकी इसमें कोई पॉइजन जैसी चीज़ या कोई ऐसी ख़राब चीज़ कि जो हम ऐसी दे दें कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, मेरी ज़िंदगी में, मेरी भी 60 साल की उम्र में अभी तक तो मावा खा के किसी को कुछ कोई उसमें ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं आई है। और जो मावा हम लोग देते हैं ग्राहकों को देते हैं, तो वो ग्राहक लोग अपनी इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, इतनी शोरूम बना के बैठे हैं, आलीशान बड़ी बड़ी दुकानें बना के बैठे हैं, और वो पैसा देते हैं 200-225 रुपये किलो का पैसा देते हैं, तो भगवान की दया से उनकी आँख कान कुछ बंद नहीं है, वो देखते हैं, चेक करते हैं, जब उनको सही लगता है तो लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं, 50 देने वाले और खड़े हैं। तो हमारा माल वो गलत हम बेच ही नहीं पाएंगे, वो माल ख़राब माने की बात तो बहुत दूर है, हम हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर हम ख़राब माल बेचेंगे तो हमारा धंधा कितने दिन चलेगा, कौन हमारे माल को लेगा और कौन हमारा विश्वास करेगा? और फिर हमारी आत्मा कोई मर नहीं गई है, हमारी आत्मा भी है, हम भी इंसान है, हमारे घर में बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, हम भी पारिवारिक आदमी हैं, तो क्या गलत चीज़ बेच के हम यानी पाप का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो जो आदमी पैसा दे रहा है उसका उतने पैसे का उसको चीज़ देते हैं बाकायदा। हे होते खंडेलवाल साहेब, डी एम मावावाला हे मोठं दुकान आहे आणि त्याचे मोठे व्यापारी दिनेश खंडेलवाल, एकंदर असोसिएशन आणि दुकानदार यांचे मन दुखावलेली आहेत। महेश जगदेजी, माझी आपल्याला एकच विनंती आहे, कृपया याच्यात लक्ष घालावे आणि योग्य तो न्याय करावा। नमस्कार।